दर्शकों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सिंह राशि वाले मार्च महीने में क्या कहते हैं आपकी किस्मत। पूरे के पूरे सिंह राशि वाले आपके महीने का राशिफल, जिसमें आपके संपूर्ण राशिफल के साथ साथ में मध्य मध्य में उपाय भी बताता चला जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या उपाय करनी है। साथ में मैं आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले इस महीने में क्या पर्व त्यौहार है इसके बारे में जानकारी दे दूं, और दूसरा गोचर जगत की क्या स्थिति होने वाली है इसकी जानकारी दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि एक ऐसा दुर्लभ मंत्र जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनके माता पिता परेशान है क्योंकि उनको शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, वो परेशान है, तो अगर यह दुर्लभ मंत्र का जाप करते रहेंगे तो एग्जामिनेशन में वह चीज लिख पाएंगे जो याद करके जाते हैं। बहुत लोगों के साथ समस्या होती है कि वह भूल जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस महीने फेस्टिवल की क्या स्थिति रहने वाली है। 3 मार्च मंगलवार को होलिका अष्टक प्रारंभ हो जाएगा, 9 मार्च को होलिका दहन है, 10 मार्च को होली है, 16 मार्च को शीतलाष्टमी है, 25 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, 26 तारीख को झूलेलाल जयंती है, 27 तारीख को मत्स्य जयंती भी है, गणगौर तीज भी है, 29 तारीख को श्री पंचमी है और 30 तारीख को अस्कल षष्ठी व्रत मनाया जाएगा। गोचर जगत में बहुत विशेष परिवर्तन तो नहीं होने वाला है। 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 22 मार्च से मंगल मकर राशि में उच्च का हो रहे हैं, 28 मार्च से स्वयं की राशि शुक्र अपनी राशि वृष में आ रहे हैं और 3 मार्च से बुध उदय हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं दुर्लभ मंत्र जिसे आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आप पास होंगे, शिक्षा में आपके मन लगेंगे, आप सफल होंगे। मंत्र है, अच्छे से लिख लें, नोट डाउन करें, प्रत्येक दिन आप इसे जाप करें। ओम एम ह्रीम श्रीम वीणा पुस्तक धरिनम मम भय निवाराय निवाराय अभ्यम देही देही स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें, शिक्षा में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले, चलिए आपकी राशि की ओर बढ़ता हूं कि मार्च महीने में क्या कहते हैं आपके किस्मत के तारे। खुद ब खुद लगने सूर्य सप्तम हाउस में विराजमान है बुध के साथ, बहुत अच्छी बात है। बुध आदित्य योग बना करके रखा है, मन में भावनाएं तो बहुत आ रही हैं, नए नए विचार तो बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु घबराने की बात नहीं है। मन शांत रहेगा, मन में स्थिरता रहेगी, कुछ बड़े परिणाम आपके समक्ष आएंगे और आप इसे करेंगे भी। समस्याएं थोड़ी उत्पन्न होंगी 14 मार्च के बाद, क्योंकि सूर्य जो है अष्टमेश हो जाएंगे। जब आपके लग्नेश अष्टमेश हो जाएंगे यानी मन का मालिक अष्टमेश हो जाएगा तो 14 मार्च से आय स्थिरता बढ़ जाएगी, 14 मार्च से तनाव बढ़ जाएगा। 14 मार्च के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन आप मत लीजिएगा। 14 मार्च के बाद विभिन्न प्रकार के आरोप लगेंगे आपके ऊपर, बात अगर आप ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो केस मुकदमा होने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, बात आप आगे ज्यादा ना बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उच्च का चंद्रमा करियर के स्थान पर विराजमान है महीने का शुरुआत में, आय स्थान पे उच्च का राहु विराजमान है और धन का मालिक बुध जो है वह सप्तमेश है। शुक्र की स्थिति अच्छी या स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। आपकी खूबियों को लोग देखेंगे लेकिन इसका परफेक्ट रिजल्ट जो आएगा वो 28 मार्च के बाद आएगा, यानी 28 मार्च के बाद जो है आपकी क्वालिटी को लोग निश्चित तौर पर देखेंगे। सिंह राशि वाले जो सरकारी कार्य क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, आपको बच के रहने की आवश्यकता है। जो कहीं ना तो कहीं किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपको बच के रहने की आवश्यकता है। कब से?
14 मार्च से, 14 मार्च से सरकारी नौकरी वालों आपकी बहुत परेशानी उत्पन्न होने वाली है। 14 मार्च से जो मेडिसिन का काम कर रहे हैं, 14 मार्च से जो सेना का अधिकारी है उच्च पद पे है, विद्युत इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आप लोगों के लिए स्थिति असामान्य रहेगी। अतः 14 मार्च के बाद से सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिएगा और नॉनवेज का सेवन भी मार्च महीने तक बंद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों एक साथ विराजमान होना उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी, देखिए मैं देख रहा हूं कि फल देने वाले हैं जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं आपके लिए 3 तारीख से उदय जो होगा बुध अत्यंत उत्तम रहने वाला है, इस पे कोई शक नहीं है। जो कंप्यूटर के क्षेत्र में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो रक्षा सामग्री के क्षेत्र में है, लोहे के क्षेत्र में है, जिनका वाहन का काम है, आपके लिए तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो या फिर भवन निर्माण से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो, आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। जो सेल्स के काम में है, जो होटल के काम में है, आपके लिए अत्यंत उत्तम फल रहेगा, भले ही सूर्य अष्टमेश 14 मार्च के बाद क्यों ना हो जाए। उच्च कराहु धन स्थान में और धन स्थान का मालिक खुद बुध जो है सप्तम हाउस में, यह दर्शाता है कि कर्म से ज्यादा आपको इस महीने धन प्राप्त होगी। जो यह दर्शाता है कि पैसे की कमी आपको नहीं होगी, जो यह दर्शाता है कि आपके पास अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी। जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो पार्टनरशिपिंग के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, आपके लिए विशेष धन की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले, आपको एक काम करना है, 14 मार्च के बाद मन पे स्थिरता रखिएगा और वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, धन की कमी नहीं होगी। ऐसे भी इस महीने आपको धन की कमी नहीं होने वाली है। ईश्वर ने कम से कम यह महीना आपके लिए एक उपहार के स्वरूप दिए हैं। इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अष्टमेश हो जाएंगे 14 मार्च के बाद सूर्य, तो थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि लग्नेश की स्थिति जब खराब होती है तो कहीं ना तो कहीं बहुत सारे राज्यों की स्थिति भी समाप्त हो जाती है कुंडलियों में। तो जब मन अस्थिर होगा तो मन को स्थिरता रखेंगे तो धन की कमी नहीं होगी। हालांकि 22 तारीख के बाद उच्च का मंगल 6th हाउस में शनि के साथ चला जाएगा। जो इंजीनियर के क्षेत्र में है आपको पदोन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है आपका इनकम बढ़ जाएगा, यानी धन के मामले में बहुत बढ़िया योग रहने वाला है सिंह राशि। भाग्य स्थान का शुक्र, कर्म स्थान का शुक्र, पराक्रम स्थान का शुक्र 28 मार्च से पहले विदेश यात्रा कराएगा आपको। विदेशों में आपकी ख्याति भी प्राप्त होगी, सम्मान की भी प्राप्ति होगी। हालांकि शुक्र का प्रबल होना सिंह राशि में शुभ नहीं माना जाता, ये धन को अस्थिरता तौर पे व्यय कराएगा, परेशानी भी देगा। लेकिन आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, अचानक आपके मन में एक उबाल आएगा कि मुझे अच्छे अच्छे जगह पे जाकर के घूमने हैं, मुझे विदेश यात्रा ही करनी है, मुझे पर्यटन स्थल जाना है, मुझे दैविक स्थल जाना है, ये आपके मन में ख्याल आएगा और आप इसे पूर्ण भी करेंगे। मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों बैठा है शिक्षा स्थान पर, थोड़ा सा अशुभ परिणाम मिलेगा। इसका रीजन यह है कि मंगल के साथ बृहस्पति का मेल तो शुभ है, दोनों एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं, लेकिन केतु के साथ मंगल का और बृहस्पति का तालमेल शुभ नहीं माना जाता।
एक तरफ ये दोनों अंकारकियों को उत्पत्ति कर देता है तो दूसरे तरफ जो है चंडालियों को उत्पत्ति कर देता है, यानी शिक्षा में अस्थिरता तो रहेगी ही, तनाव तो रहेगा ही। और जब शुक्र का प्रबल होना तो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जो आपको रुझान लेकर करके जाएगा, यह भी शिक्षा में एक कमी करेगा। 22 तारीख तक तो फिर भी शिक्षा की स्थिति ठीक रहेगी, 22 तारीख के बाद जब चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में उच्च के हो जाएंगे तो वहां पे सिर्फ केतु के साथ बृहस्पति रहेगा और चंडाल योग के कारण बृहस्पति के प्रभाव थोड़े कम जाएंगे, यानी शिक्षा में 22 तारीख के बाद थोड़ी परेशानी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल कर जाएंगे। सामान्य से रिजल्ट बढ़िया आएगा, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आ सकता है। दाम्पत्य जीवन स्थान का स्वामी सूर्य बुध एक साथ विराजमान होना, दाम्पत्य जीवन अभी बढ़िया चल रहा है, रिश्ते आपके काफी आ रहे हैं, रिश्ते में कोई कमी नहीं है, प्रेम संबंध भी काफी आपका अच्छा चल रहा है इस महीने। विवाह में जिनकी बाधाएं उत्पन्न हो रही, आपका विवाह भी होगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम भी काफी रहेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद थोड़ी आपके मन में अस्थिरता रहने के कारण हल्का फुल्का पत्नी से विवाद, उससे ज्यादा ससुराल पक्ष से आपको विवाद होने की संभावनाएं रहेंगी। अतः 14 मार्च के बाद सावधानी पूर्वक आपको प्रत्येक कार्य को करने पड़ेंगे। बात मैं करता हूं उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिपिंग के क्षेत्र में है, अभी तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन 14 तारीख के बाद जो पार्टनरशिपिंग के क्षेत्र में है आपको थोड़ी धोखाएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए। सतर्क रहिएगा, जीवन में सफल होइएगा। संपत्ति का मालिक मंगल उच्च का होने वाला है 22 तारीख से। 22 तारीख तक आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर्टी किस प्रकार से लूं, किस प्रकार से नहीं लूं। 22 तारीख के बाद आपको प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति होगी। 22 तारीख के बाद माता पिता से तालमेल भी काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन 14 मार्च के बाद आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाएगा, आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाएगा, गांव में थोड़े रहेंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहनों से रिश्ते तो अच्छे चल रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह मंथ आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। सिंह राशि वाले पेट की समस्या से, गले के रोग से, सांस की बीमारी से परेशानी आपको चल रही है, इसके लिए मैं विशेष उपाय आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। क्या वाकई में इस महीने आपके लिए अत्यधिक अशुभ रहने वाला है? नहीं, स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। 14 तारीख के बाद मन को शांत रखना पड़ेगा। धन संपत्ति शिक्षा विदेश यात्रा में कोई कमी नहीं है, परंतु अपमान से आपको 14 तारीख के बाद बचना पड़ेगा। 14 तारीख के बाद कंटिन्यू सूर्य को जल दें, 14 तारीख के बाद नॉनवेज का सेवन बंद करें। आय स्थान का उच्च का राहु अच्छा है, अचानक अचानक ही सही धन तो दे रहा है, परंतु समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं? पत्नी हाउस पर उसकी दृष्टि, जो जीवन साथी का स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर रहा है, अतः चंदन का तिलक पुरुष लगाए, महिलाएं जल में चंदन मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाएं तो आपके लिए इस महीने काफी अच्छा रहने वाला है। रविवार के दिन कोई गरीबों को 14 तारीख के बाद अगर आप भोजन करा देते हैं तो इससे अत्यधिक उत्तम फल मिलेगा। अगर रविवार के दिन 14 तारीख के बाद आप मंदिर में गेहूं का दान कर देते हैं तो जो भी थोड़ी अशुभ फल है वो भी समाप्त हो जाएंगे। सिंह राशि वाले, यह उपाय करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो तो उससे बचा जा सकता है और ज्योतिष शास्त्र इसका एक माध्यम है। करना क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जीवन में परेशानियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें नहीं करें, नंबर पहले से, और आप पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। अनुरोध है कि चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर के, जो बनाएगा आपकी किस्मत को उन्नति की ओर लेके जाएगा। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। नमस्कार।